हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं यूके ब्लॉग चैनल और मैं आपका दोस्त आज ऋतिक सकलानी। और आज हम न्यू डेस्टिनेशन में जा रहे हैं जो हमारे ही पास में ही पड़ता है देहरादून के। तो हम जाएंगे आज राजपुर रोड। राजपुर रोड में एक पुरानिक मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है साईं बाबा का। तो साईं राम बोलते हैं पहले दोस्तों, जय साईं राम। तो मेरे साथ आज मेरा दोस्त भी आया है जिसका नाम ऋतिक है, वो भी मेरे। हेलो गाइस, कैसे हो? अब गाइस, जैसे कि आपको पता ही है राजपुर रोड के साईं मंदिर की कितनी मान्यता है, तो आज हम वहाँ चलेंगे और देखेंगे कि कैसा है, बढ़िया मंदिर है, आप विजिट जरूर करें। जो आप मसूरी जाते हैं तो मसूरी रोड में ही पड़ता है, तो गाइस जरूर आएं। जैसे कि आप चलते हैं उधर की तरफ, तो गाइस मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। जैसे कि ऋतिक की मुराद पूरी हुई है साईं बाबा जी के मंदिर के। अरे भाई कोई बात नहीं, तो लोगों को तो पता लगना चाहिए क्योंकि हमारे जो साईं बाबा है उनकी कृपा कितनी है हमारे भक्तों के ऊपर, तो साईं बाबा तो अटूट है। तो गाइस जो साईं बाबा के भक्त है वो पहले सबसे पहले लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे गाइस। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, हम साईं मंदिर पहुंच चुके हैं और अब गाड़ी करते हैं पार्क और चलते हैं मंदिर के अंदर और प्रसाद लेते हैं। फ्रेंड्स जैसे कि हम पहुंच चुके हैं और अब बाबा जी के लिए लेंगे प्रसाद साईं मंदिर से। अब चलो लेते हैं, ठीक है ना? तो आगे फ्रेंड्स, जैसे कि अब मैं मंदिर के अंदर आ चुका हूँ और आप देख सकते हैं मैं राजपुर रोड साईं बाबा मंदिर के अंदर हूँ। तो यहाँ पर जो पंडित जी हैं उनसे हम आप पूछते हैं कि यहाँ पर क्या क्या किस टाइप से चलता है। जैसे कि हम पहुँच चुके हैं और अब हम पंडित जी से बात करेंगे। तो पंडित जी, एक्चुअली में मंदिर कितना पुराना है थोड़ा सा आप बता सकते हैं? ये 94 में मंदिर बना है। तो ये जैसे कि पंडित जी बता रहे हैं 94 में मंदिर की स्थापना हुई थी और यहाँ पर बाबा जी विराजमान करे गए थे। तो और पंडित जी यहाँ पर मतलब, जैसे कि अब मैं पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे यहाँ पर बाबा जी कितने टाइम आरती होती है? 5 आरती होती है। अच्छा, दिन में टोटल बाबा जी की 5 आरती होते हैं जैसे कि पंडित जी बता रहे हैं। और कोविड के चक्कर में थोड़ा सा आजकल कम हो चुका है, पर वरना मैंने आज पहली बार इतना पंडित जी को टाइम मिल रहा है बात करने का, वरना तो वैसे टाइम ही नहीं मिलता था पंडित जी को बात करने का। तो और पंडित जी, जैसे कि यहाँ पर भंडारा होता है, यहाँ जिनका जो श्रद्धा से बाबा मांगते हैं उनका मनोकामना पूरा होता है। जैसे कि पंडित जी बोल रहे हैं जिनकी मुराद पूरी होती है तब वो यहाँ पर भंडारा करवाते हैं। तो भंडारे भी एक्चुअली में अभी अभी खुले हैं कुछ टाइम पहले, है ना? अभी। हाँ, तो चलो फिर ठीक है गाइस, बीवार को बहुत भीड़ होती है, बीवार का बाबा का दिन है। तो बृहस्पतिवार और संडे के दिन यहाँ 2 दिन भंडारे होते हैं। तो बृहस्पतिवार की जैसे बाबा की मान्यता ज्यादा है, तो आप जरूर आए और विजिट करें इस साईं मंदिर को राजपुर रोड पे। जैसे कि साईं मंदिर राजपुर रोड के ट्रस्ट से जो है, तो जैसे कि आपको कभी यहाँ पर आपकी मनोकामना पूरी होती है, वीडियो देख के आप यहाँ विजिट करते हैं। तो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम नतांश बल्ला है। भैया का नाम नतांश बल्ला है। तो भैया आपके दादाजी ने
ग्रैंडफादर। अच्छा, ग्रैंडफादर ने यहाँ पर मंदिर की स्थापना की थी। हाँ जी। और आप कुछ और बताना चाहेंगे यहाँ की खास बात? बस बाकी सारा पंडित जी ने आपको बताया कि हम कहेंगे रोज आइए, दर्शन करके जाइए बाबा जी के, बाबा जी का आशीर्वाद बना रहेगा आप सब पे। तो फिर भैया एक बार ये जोर से बोलो, जय साई राम। जय साई राम। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये बाबा जी की फोटो देख रहे हैं, तो ये इस मंदिर की एक सबसे पुरानी फोटो में से एक है। जब बाबा की यहाँ पर मूर्ति भी स्थापना नहीं हुई थी, उससे भी पहले की पहले फोटो ही यहाँ पर लाई गई थी बाबा की, और फिर बाद में यहाँ स्थापना हुई थी बाबा की। तो ये बहुत पुरानी पेंटिंग है जो हाथों से बनाई गई है और लग नहीं रही है बिल्कुल भी। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस साई मंदिर में आपको मैं एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, जो यहाँ पर जो ध्वनि शिरडी में जो साक्षात जल रही है, तो वही ध्वनि यहाँ पर भी लाई गई है राजपुर रोड साई मंदिर पर। तो आप देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ वो ध्वनि। ये ध्वनि जो जल रही है साई बाबा की, जो शिरडी से लाई गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, लोग यहाँ से ध्वनि लगा रहे हैं सर में, और ये बाबा की ध्वनि रखी गई है। किसी भी बच्चे को नज़र या आपके यहाँ कुछ भी हुआ हो या तबीयत ख़राब हो, तो यहाँ इस ध्वनि को लोग दवाई के रूप में भी खाते हैं और बिल्कुल सही हो जाते हैं किसी में नज़र प्रेत कुछ भी लगा हो। गाइस ये देख, एक चक्की बाबा जी की, जिससे बाबा जी आटा पीसा करते थे। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर माता जी का मंदिर भी है। तो ज़ोर से बोलो जय माता की। जैसे कि अब हम भंडारे के कक्ष की ओर जा रहे हैं जहाँ पर भंडारा होता है। तो ऋतिक, आपको एक ऐसी जगह लगी? मुझे बहुत अच्छी जगह लगी, और आप लोग भी यहाँ विजिट कीजिए और यहाँ के साई मंदिर के दर्शन कीजिए, बहुत अच्छा है बाबा, बहुत सबका। तो अब चलते हैं भंडारे की, जहाँ पर भंडारा होता है बाबा का। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर भंडारा हो रहा है बाबा का, थोड़ा हमें देर हो गई है वीडियो में, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी भीड़ हो रही है साईं बाबा मंदिर में। आज की डेट में ये साईं बाबा मंदिर श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है देहरादून में। यहाँ पर बहुत दूर दूर से श्रद्धा जन आते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करवाने। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि भैया अपनी श्रद्धा से सभी जो गरीब लोग हैं उनको बिस्किट बांट रहे हैं, वैसे आप यहाँ आके या कहीं भी रहें गरीबों में बांट सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, अभी अपनी निशानी छोड़ी जा रही है साईं मंदिर पर। अब जिस जिस जगह हम विजिट करेंगे और अपनी निशानी छोड़ेंगे हर जगह पे। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं घर की ओर, और जिसको वीडियो पसंद आई होगी वो लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। और अब चलते हैं, आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता हुआ। तो गाइस शेयर करें और जय साईं राम।